ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ अरे क्या ये इंटरव्यू का गलबिल्ली गलबिल्ली तुम का कर रहे हो ये बाल की दुकान लेके कहाँ चले हैं ना दाढ़ी बनी है ना बाल बना है ना फॉर्मल पैंट शर्ट तुम आए हो इंटरव्यू देने हैं कहाँ आए हो मुंह में कमला पसंद भी चबाए हुए हो तरीका नहीं क्या कौन हो अरे बाल की दुकान और कमला पसंद तो अलग की बात है पहले ये बताओ इंटरव्यू देने हैं पहले बैठा लोगे कि नहीं बैठा लोगे हाँ बैठो कहीं कलेक्टर होगा तुम आओ बैठ जाओ एहसान कर रहा हो हमारे ऊपर बैठो इंटरव्यू देने आए आओ जब तुमने बैठ का एहसान कर ही दिया है और ये जो तुम अजय देवगन मैंने फिर रहे हो है मजनू तुम इंटरव्यू देना भैया बताओ तुम कौन गांव के हो कनपुर यही लग रहा हो मुंह में कमला पसंद भी दबा हुआ कम से कम धूप तो लियो अरे क्या कमला पसंद कमला पसंद कमला पसंद डूबना है ना आबे रोको रोको एक मिनट क्या आदमी हो यार अंदर ही थूक लिया किस लिए भैया बाहर जगह बनी हुई है बाहर जाते आराम थूकते चले जाते क्या जरूरत थी कमला पसंद ही अंदर थूक लिया भैया 5 रुपया के कमला पसंद आता है अंदर थूक लिया तो क्या कर लें हैं और ये बताओ नौकरी देने बैठे हो कि मजाक करने बैठे हो कि हमारा कमला पसंद तुम पकड़े बैठे हो अब क्वेश्चन आंसर तो कुछ पूछ लियो चलो अच्छा ये बताओ टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये बताओ पहले तुम अरे हमारा रिज्यूम नहीं देखे हो का वो में लिखा नहीं है हमें गाली दी आवती अंग्रेजी नहीं आवती समझे हो हिंदी में पूछ लियो हाँ अरे रिज्यूम का मतलब क्या है यार तुम भी तो कुछ नाम हम बताओगे ला अच्छा तुम्हारा नाम देखा लेते हैं का नाम लिखे हो यार राधे श्याम रसिया ये कैसा नाम है अब पिताजी का नाम भोला मकान नंबर 16 और गांव टोला और जिला कानपुर और ये क्या बनता है रोज छोला अबे यार ये रिज्यूम है कि किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कहा है हैं अरे नाम कैसा है यार तो देखने से रसिया लग रहा है कौन से रेस्टोरेंट में काम करते हो भैया भाई साहब नाम है अमर राधे श्याम रसिया हमारे घर में पड़ी बहुत सारी हसिया समझ रहे हो ना हसिया ऐसे और ऐसे हसिया और ऐसे भैया खतरनाक आदमी लग रहा है आराम से सवाल अच्छा आपका नाम राधे श्याम रसिया आप चलाते हैं हसिया है? भैया तुम लग रहा है गेट कांधे भूल के हो लग रहा है हमको हैं समझ रहे हैं तुम्हारी बात तुम बहुत दूर तक जाओगे लग रहा है चलो भैया नौकरी तुम्हारे देते हैं चलो चलो ठीक है इंटरव्यू तुम्हारा ले ही लेते पूछे सवाल पूछ ले अब तुमसे सवाल बात पूछे भैया पूछे कि ना पूछे पूछ लो भैया पूछ लियो काहे छोड़िए नौकरी दे रहे हो तो कम से कम कुछ पूछ ही लियो अच्छा तो भाई रिज्यूम तो आप करने पड़ लिया और क्या किया आपने सिविल इंजीनियरिंग अच्छा बीटेक किया ओहो तो अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए और तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन ये है कि तुमको ये नौकरी क्यों दी जाए ये बताओ ऐसी कौन सी काबिलियत है आपके अंदर जो आपको लगता है कि आपको ये नौकरी दे दी जाए भाई पता चलना चाहिए ना कि भाई कौन सी काबिलियत है कि नौकरी की क्वालिटी है आपके पास अरे मालिक काबिलियत तो हमारे अंदर इतनी है ये आप ढोड़ ना पाई हो और बाकी रही पढ़ाई की बात तो पढ़े लिखे तो हम बहुत हैं और बाकी रही हम आए हैं हिंद तुम्हारे पास का है नौकरी दे दी हो तो कड़ी जाइ नहीं तो पढ़े तो हाई हैं और एक बात और बता दें गलती चाचा माए विधायक हैं समझ लियो चाचा विधायक भैया चाचा इंडिया विधायक तो यहाँ है रिकमेंडेशन अब आपकी जानकारी के लिए बता दें चाहे लगा लीजिए विधायक जी का सोर्स और चाहे बुला लीजिए पुलिस फोर्स ये नौकरी तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा अच्छा नौकरी नहीं देंगे हम का उन्हें बात नहीं
चाचा हमारे विधायक है, विधायकी का उड़ा रहा हो तुम मजाक? अब बहन रुको, यो बता नौकरी दे कि अपन जान दे का नहीं कर।